हमेशा से अपनी कारगुजारियों से सुर्खियों में रहने वाला पार्क अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। वहीं इस बार गुरुग्राम स्थित पार्क अस्पताल पर आरोप लगा है कि इलाज में लापरवाही के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले पानीपत में भी बना पार्क अस्पताल अपनी लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहा है और करनाल में भी जगह जगह खड़ी एम्बुलेंस के कारण भी इस अस्पताल ने सुर्खियां बटोरी और एक चौकी में एम्बुलेंस खड़ी करने का खामियाजा भी चौकी इंचार्ज को भुगतना पड़ा था। ताजा मामला आपको बताते हैं। गुरुग्राम के पार्क अस्पताल पर आरोप लगा है कि जिसमें मुकेश नाम की 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परिवार वालों की तरफ से एक शिकायत सीएमओ को भी दे दी गई है। परिवार वालों का आरोप है कि महिला का सही इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मेरा नाम महेश सिंह है और मेरी माताजी 10 तारीख को यहाँ पे एडमिट की गई थी एक नॉर्मल फीवर की वजह से, और इन्होंने धीरे धीरे करके उसको वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया। और सुबह शाम को रात 12:30 बजे करीब मैं गया हूँ माताजी के पास। मैंने, माँ कैसी है? बोले ठीक हूँ, मैं पानी पिला दे। मैंने पानी पिलाया और सुबह मेरे पास कॉल आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, शिकायत हमने पुलिस को, हम बोल रहे थे कि डॉक्टर भल्ला को मेडिकल उनको बुलाओ कि क्यों नहीं गया ऐसा हुआ, तो इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने ही पुलिस बुलाई है। और ये पुलिस नहीं कि कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स बुलाई है, वहाँ तक देखिए आप। गुरुग्राम के पार्क अस्पताल में महिला को 11 सितंबर को भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद अस्पताल ने मामूली बुखार कहकर महिला को भर्ती कर लिया, लेकिन महिला की बीच में कई बार तबियत भी बिगड़ी। इसके बावजूद भी अस्पताल की तरफ से कोई सही इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने महिला का दूसरे अस्पताल में चेकअप भी करवाया, जहाँ रिपोर्ट में महिला को डेंगू बताया गया। वहीं परिवार वालों का ये भी आरोप है कि पार्क अस्पताल प्रबंधन को ये जानकारी दी गई कि दूसरे अस्पताल में महिला को डेंगू की शिकायत है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल की तरफ से इलाज में कोताही बरती गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मैं डॉक्टर पीएन काकड़, सीईओ ऑफ पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव। हमारे अस्पताल में मुकेश देवी, एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल, बुखार और डायबिटीज के कारण हमारे अस्पताल में ये 11 सितंबर को दाखिल हुई थी। हमारे डॉक्टर्स ने इनको देखा, पहले वार्ड में एडमिट किया था और सारी जो इन्वेस्टिगेशन फीवर के लिए करनी चाहिए आज वो सब फीवर के लिए इन्वेस्टिगेशन हुई। इनको डेंगू के लिए भी देखा गया, मलेरिया के भी देखा गया और बाकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब देखा गया। हमारे यहाँ डेंगू का टेस्ट पहले नेगेटिव आया था, उसके लिए हम IgG और IgM करते हैं टेस्ट और एंटीजन ए करते हैं, तीनों टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन प्लेटलेट काउंट थोड़ा इनका 3 रीडिंग्स में धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हमने इनको डेंगू के लिए भी कवर किया, हमने इनको मलेरिया के भी कवर किया और हमने इनको कॉम्प्लेक्स वायरल फीवर डायग्नोस करके उसका पूरा इलाज किया। ड्यूरिंग द स्टे हॉस्पिटल में इनके लिवर फंक्शंस को डिटेरियोरेट होने लगे, किडनी फंक्शंस भी डिटेरियोरेट हुए। पेशेंट के रिश्तेदारों को हर स्टेज पे काउंसिल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद मरीज के रिश्तेदारों ने 18 तारीख को सुबह ये कहा कि वो दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं। उनको काउंसिल करके हमने बताया कि इसमें मरीज को शिफ्ट नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा हमको यहाँ से लेके जाना है। हमारे डॉक्टर्स ने दूसरे अस्पताल में, दैट इज बेस्ट हॉस्पिटल में, वहाँ के कंसल्टेंट से भी बात करी कि ये मरीज आ रहा है और इस मरीज को आप ये इलाज किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन करी गई है, इनकी कंटिन्यूटी केयर के लिए हमने वहाँ भी मदद किया। अस्पताल से वो ले गए, उसके बाद रात को सेम डे ये पेशेंट को एक सीरियस कंडीशन में हमारी इमरजेंसी में लेके आए हैं,
उस समय पेशेंट शॉक में था एंड उसकी कंडीशन काफी खराब थी, तो हमने उसको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में हमारे इंटेंसिव केयर डॉक्टर्स ने और क्लिनिशियंस ने इनको अटेंड किया है। पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला गया है, लेकिन पेशेंट की डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जिस समय अस्पताल में आईसीयू के अंदर उनकी कंडीशन खराब हुई है, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पूरा ट्रीटमेंट जो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ दिया जाता है वो करा गया है और पेशेंट पार्टी को काउंसिल हर स्टेज पे किया गया है। नहीं, शाम को हमारे यहाँ तो आए ही रात को है, कल शाम को तो मिले नहीं, हमारे यहाँ तो आए ही रात को है। जिस कंडीशन में आए हैं उनका उस समय हार्ट रेट 160 से ऊपर था, पेशेंट तो शॉक में था। परिवार वालों का ये ख्याल होगा कि जो आईसीयू रूम है उसमें आपका जब से ट्रेन वगैरह चल रहा था कोई डॉक्टर को देखते नहीं है उनको? ऐसा नहीं है, हमारे डॉक्टर्स ने अटेंड किया हुआ है और पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पर डाला है तो डॉक्टर्स ने ही डाला, परिवार वालों ने नहीं डाला, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। पेशेंट को थ्रू आउट अटेंड किया गया, रात के 3:15 बजे उनके क्लिनिशियंस आए हैं, उन्होंने भी उनको देखा है और आईसीयू के इंटेंसिविस्ट ने उनको देखा है और सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। वहीं इस पूरी घटना के बाद पार्क अस्पताल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उस वक्त महिला को डेंगू नहीं था, लेकिन इसके बाद महिला में डेंगू के लक्षण नजर आने लगे थे, जिसके बाद डेंगू की भी दवाइयां दी गई। लेकिन इस बीच परिवार वाले आरोप लगाने लगे कि पार्क अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, उन्हें सही समय पर अगर इलाज दिया जाता तो शायद महिला की जान बच सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच कर रही है। गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।